अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ्तिखार। तो दोस्तों, आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पपीता। ये आप देख सकते हैं, पपीता का छोटा पौधा है। ये इसकी उम्र करीबन डेढ़ माह के करीब है, डेढ़ से दो माह के करीब है। तो दोस्तों, इसका हम बीज लगाते हैं पपीते का। ये छोटे पौधे हैं, मैं आपको बड़ा पौधा भी दिखाऊँगा। इसका हम बीज लगाते हैं तकरीबन मार्च के महीने में। सर्दी के अलावा हम कभी भी इसका बीज लगा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में इसका बीज लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये फल होता है पपीते का, तो जो खाने के इस्तेमाल में आता है। और आपको हम इसका बड़ा पौधा दिखाते हैं। ये छोटा पौधा है जो हमने बीज से तकरीबन दो माह पहले हमने बीज लगाया था, और ये ग्रो करके बाहर आ गया। और इसको हम यहाँ से, जब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो हम इसको यहाँ से ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे और इसको पानी वगैरह लगाएंगे, ये सेट हो जाएगा, तो आहिस्ता से आगे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये है पपीते का छोटा पौधा। तो मैं आपको चलते हैं, अब आपको मैं इसका बड़ा पौधा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पपीते का बड़ा पौधा है। इसमें आप देख सकते हैं पपीते लगे हुए हैं। ये देखें आप, थोड़ा मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पपीते लगे होते हैं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त, ये देसी पपीता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत पौधा है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।